खबर देवरिया जनपद से है, जहां जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश पर शुक्रवार को हुए धान स्टॉक सत्यापन की रिपोर्ट के आधार पर 3 क्रय केंद्र प्रभारियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज की गई है। धान क्रय केंद्र बंजरिया के प्रभारी अभिषेक गुप्ता के विरुद्ध UPSS के जिला प्रबंधक रामकिंकर ने थाना भलवनी में धारा 409 एवं 420 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। उक्त क्रय केंद्र के स्टॉक में 3896 कुंतल धान की कमी मिली है। धान क्रय केंद्र परसिया छितनी सिंह में जिला प्रबंधक PCF सिद्धेश्वर राम ने क्रय केंद्र प्रभारी मकसूद आलम के विरुद्ध थाना खामपार में धारा 409 एवं 420 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। उक्त धान क्रय केंद्र के स्टॉक में 2198 कुंतल धान की कमी पाई गई है। धान क्रय केंद्र रुस्तमपुर में DFMO बीमा चंद गौतम की तहरीर पर क्रय केंद्र प्रभारी दीपक कुमार के विरुद्ध थाना रामपुर कारखाना में धारा 409 एवं 420 में मुकदमा दर्ज कराया गया है। उक्त धान क्रय केंद्र में स्टॉक में 10,284 कुंतल धान की कमी पाई गई है। देवरिया जनपद से त्रिभुवन कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। जनपद देवरिया में धान खरीद को पारदर्शिता से और शुचिता से करने के प्रयास में हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया कि किसानों से खरीद हो, बिचौलियों से खरीद ना हो। इस विषय में समय समय पर समीक्षा मेरे द्वारा स्वयं की गई। जब ये पाया गया कि करीब 3 लाख कुंटल धान ऐसा दिखा रहे हैं जो केंद्रों पर होना चाहिए, जबकि मात्र 92 केंद्र संचालित हैं, तो इसका सत्यापन कराया गया। इस सत्यापन के क्रम में 3 जगहों पर बड़ी अनियमितता मिली है और उन अनियमितताओं के क्रम में 2 FIR अब तक हम लोग कर चुके हैं। तीसरे FIR थाना खानपुर में होने जा रही है और इस प्रकार करीब 14,000 क्विंटल धान कम पाया गया है केंद्रों पर, और उसके क्रम में PCF के द्वारा, मार्केटिंग के द्वारा और UPSS के जो केंद्र प्रभारी हैं, तीनों के खिलाफ FIR इसमें की गई है और दोषियों को पकड़ के गिरफ्तार भी कराया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।